तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप यूके। तो दोस्तों, कल मैं ऋषिकेश देहरादून से वापस घर आया और दोस्तों, 2 दिन का शादी का एंजॉय था और 2 दिन का पता भी नहीं चला कब चले गए। और अब आ चुका हूँ मैं वापस अपने पहाड़ों में एंड डेली लाइफ स्टाइल में। तो अब शुरू करते हैं फिर से डेली वाले ब्लॉग, मतलब डेली पहाड़ों के लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और देखिए मैं आ रखा हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और अभी देखिए धूप हल्की हल्की निकल रही है। मेरे गांव में तो सुबह सुबह एकदम कड़क वाली धूप आ जाती है। तो दोस्तों, जो कल परसों हमने ऐसे कोदे की लवाई की थी, तो अब बारी है उसको कूटने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, आसमान का सौर का बिल्कुल साफ कड़क वाली धूप आ रही है आज। तो पहले उसे सुखाना है और उसके बाद उसकी कुटाई करनी है। तो चलिए फिर इस छोटे से ब्लॉग को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, एंड पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रमोट करूंगा एक्सरसाइज को, क्योंकि एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए, कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़के देखिए पैसे कमाते हैं 40 साल तक और उन्हीं पैसों को 40 साल के बाद अपने शरीर पे लगाते हैं। इसीलिए आदमी को हमेशा फिट रहना चाहिए। थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम निकाले, लेकिन अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर ज़रूर टाइम निकाले। क्योंकि अपना शरीर नहीं है तो कोई दुनिया में किसी का नहीं होता है। हमेशा अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दें। और हमें तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमें काफ़ी, मतलब यहाँ हार्डवर्क ज़्यादा होता है तो हमें एक्सरसाइज की उतनी ज़रूरत नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम करते हैं 1-1.5 घंटा जितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए हमारे गांव में देखिए सबसे अच्छा ये 2 पोल बन रखे हैं। एक ये भी बन रखा है चिनअप करने के लिए, लेकिन ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि भर्ती के 1 हफ्ते पहले ही इन पर एक्सरसाइज होती है, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसमें दोस्तों होता है क्या है कि यहाँ अनाज न फंसे, इसलिए चौक में इसकी लिपाई की जाती है और सूखने के बाद ये एकदम सीमेंट वाला काम करता है, तो इसलिए इसमें लिपाई करते हैं हम। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी लिपाई करती है। यहाँ पे दोस्तों हमने आज धूप में कोदा रख रखा है, आज दिन में इसको कूटना है, इसको और एक बोरा ये है इसको। यहाँ पे मेरी माँ ने कुछ अंकुरोट भी सुखाने के लिए रख रखे हैं, ये देख सकते हैं। और बंदर ना देखें इसलिए इसके ऊपर ये लगा रखा है ऐसे। तो दोस्तों, अभी मुझे ये वाला झंगोरा कूटना है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये धूप में रखा था और एकदम करारा बन चुका है और अब इसको कूटेंगे। और इससे कड़क वाली कोहरा निकलता है, इसलिए मैं मास्क भी पहन के इसे कूटूंगा। अब दोस्तों इसको उड़ाया जाता है हवा में कूटने के बाद। चाची उड़ा रही है, मेरी मम्मी और चाची इसको उड़ा रही हैं। वैसे ये काम लेडीज का ही होता है, लड़कों का काम इसे कूटना होता है। लड़का खाना नहीं खाते, उड़ान लड़ी काम। और उसके बाद फाइनली ये झंगोरा मिलता है। अब ये तो हॉर कुटन ऊ करदा नहीं है, अब मटन की खीर बहुत अच्छी होती है। मटन तो पूरा
अभी बन लास्ट स्टेज और छे इसके लिए लोग बहुत तड़प रहे हैं कहां मिलेगा झुंगड़ा कहां मिलेगा मलबा जो लोग बाहर रहते हैं ये तो हम ही जानेंगे कैसा बन जाएगा इन अरगड़ गांव ऐसे कड़क गांव में कूटा हमने तब बोलेंगे झंगराल देना जरा और दोस्तों झंगोरा कूटने के बाद अभी कोदा भी कूटना है। कोदा भी सेम टू सेम होता है, लेकिन कोदे को पहाड़ों का राजा भी बोला जाता है क्योंकि रोटी के साथ जो आटा गेहूं का होता है उसके साथ उसे मिक्स किया जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मंडवा जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अन्न, पावरफुल अन्न उसे ही कह सकते हैं, मतलब पावरफुल वाला। तो अब थोड़ी देर में हम कोदा कूटेंगे, मैं और अग्निवीर यहाँ पे कोदा कूट रहे हैं। मार जरा दी चार चूट जम जम अबे नहीं लग रहा ना ना आवाज तो बढ़िया होनी तभी तो कोदा खा के तो अग्निवीर बनेंगे। तो यार दोस्तों ऐसा कुछ दिन था आज का, मतलब पूरे दिन भर सिर्फ एक ही काम किया आज, कोदा और झंगोरा, मतलब दोनों फसल की कुटाई की। काफ़ी दिनों के बाद जब मतलब बारिश आ रही थी तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से धूप आई और उसमें सुखाया, और आज पूरे दिन भर यही काम था। हाथों के भी बुरे हाल हो चुके हैं, यहाँ देखिए इस वाले हाथ के, मतलब ये लाल लाल जो हैं यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ दिन था आज का दोस्तों, पहाड़ी लाइफ स्टाइल। एंड आपको आई होप ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी देखिए शाम का टाइम है तो मैं पनीर आ रखा हूँ, और पनीर के बारे में इंस्टाग्राम पे लोगों के काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई किसी का आ रखा था उत्तरकाशी से, मतलब कि भाई बल हमारे गाँव का पनीर अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहाँ पानी लेने कोई नहीं जाता है क्योंकि जब से घर घर नल योजना आ रखी है तब से सब मतलब अपने ही घरों में पानी भरते हैं। तो जब से मतलब मैंने आपको देखा कि डेली पनेरे का पानी पीना मतलब अच्छा होता है, तो उस दिन से मतलब मैं भी जा रहा हूँ पनेरे। तो ऐसे कुछ मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, इतने दूर से भी ब्लॉग देखते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कुलदीप यूकी 012 को ज़रूर फॉलो करें। और देखिए हल्की हल्की बारिश आने लगी, तो फिर आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।